हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे अंडरले के बारे में। अंडरले क्या होता है, रेविट में काफी डिमांड थी इसके ऊपर भी, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो देखो एक्चुअल में अंडरले क्या होता है, आप मान लो आपके पास ये बिल्डिंग है और लेवल वन अगर मैं दिखाऊं आपको, तो ये आपका लेवल वन है जिसमें आप देख रहे होंगे यहाँ पे वॉल्स लगी हुई है, कॉलम्स लगे हुए हैं, गाड़ी खड़ी है। क्लियर। अगर मैं लेवल टू की बात करूं तो लेवल टू पे ये सब चीजें हैं, बट लेवल टू से मैं चाहता हूँ कि लेवल वन का भी दिखे ताकि मैं उसके अकॉर्डिंग अपना लेवल टू को डिजाइन कर पाऊं। तो उसे हम बोलते हैं अंडरले, कि एक लेवल के नीचे आपको कौन सा लेवल देखना है एक्चुअल में। अगर मैं लेवल थ्री की बात करूं तो ये लेवल थ्री, अब इसके नीचे मेरे को कोई लेवल नजर ही नहीं आ रहा है। ठीक है, लेवल थ्री पे, अब लेवल टू पे आप देख पाएंगे हमने बेड वगैरह लगाए हैं यहाँ पे। लेवल थ्री पे बेड वगैरह नहीं है, सिर्फ यहाँ पे मैंने दो बेड लगाए हैं सिर्फ दिखाने के लिए आपको। लेवल फोर पे अगर मैं बात करूं तो वो बेड नहीं है, सिर्फ यहाँ पे दो टेबल एक्स्ट्रा मैंने लगाई हैं। तो अब किस तरीके से हमारा अंडरले काम करेगा, उसके लिए मैं लेवल वन पे जाता हूँ और एक काम करता हूँ, एक दो वॉल और लगा लेता हूँ। मान लो मैंने यहाँ पे एक वॉल लगाई और यहाँ से एक वॉल लगाई, ताकि अगर आप इसे देखेंगे लेवल टू से तो आप देख पाएंगे तो किस तरीके से आप पे वो दिखेगी। तो ये है हमारा लेवल वन। अब बात करते हैं अगर लेवल टू की। अब लेवल टू से मैं चाहता हूँ कि लेवल वन का मेरे को शो हो, तो यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन आता है अंडरले का, यहाँ पे है रेंज बेस्ड लेवल। अगर आप रेंज बेस्ड लेवल की बात करेंगे, अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं रेंज बेस्ड लेवल की, ये आपका है रेंज बेस्ड लेवल, जो इंफॉर्मेशन आपको दे रहा है, जो यहाँ पे वन डिनोट करता है वो है बेस्ड लेवल, कि आपका बेस क्या है। ठीक है, टॉप लेवल डिनोट करता है, जो टू है यहाँ से टॉप लेवल डिनोट करता है। अब अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे इमेज को, तो मान लो एक रेक्टेंगल आपका यहाँ पे लगा हुआ है जिसको फोर नंबर दिया हुआ है, और एक रेक्टेंगल आपका यहाँ पे लगा हुआ है। अगर आप इसे ऊपर से देखते हो, ऊपर से लुक डाउन करके देखते हो, ये आपका ऑरेंज कलर का नजर आ रहा है, कि अगर आप ऊपर से देखते हो तो आप देखेंगे ये वाला रेक्टेंगल आपको ऊपर कंप्लीट नजर आएगा और ये वाला रेक्टेंगल आपको इतना नजर आएगा, यहां से लेके यहां तक इतना पार्ट आपको नजर नहीं आएगा क्योंकि आप ऊपर से देख रहे हो। और अगर आप इसी चीज को नीचे से देखते हो तो आप देखेंगे कि ये वाला रेक्टेंगल है जो आपको ये देखो कंप्लीट नजर आ रहा है, उसकी शेप उससे बड़ी है। ठीक है, और नीचे से ये भी आपको कंप्लीट नजर आ रहा है क्योंकि नीचे से ये भी पोर्शन आपको दिखेगा। तो ये होता है ऊपर से लुक डाउन और ये होता है लुक अप करके, तो ये आपको ये शो कर रहा है। क्लियर। अब है यहां पे है रेंज बेस लेवल। बेस लेवल मैंने बोल दिया कि लेवल वन, लेवल वन हो गया बेस लेवल और लेवल टू हो गया टॉप लेवल। मैं एक्चुअल में अगर मैं यहां से दिखाऊं तो ये है लेवल टू, ये है लेवल वन। मैं यहां से अब नीचे की तरफ देख रहा हूं, जब यहां से मैं नीचे की तरफ देखूंगा तो बेसिकली मेरे को क्या दिखेगा, जो नीचे गाड़ी खड़ी है वो मेरे को देखो कलर ये ब्लैक है और ये आपका ग्रे कलर में हो जाएगा, ये आपका ट्रांसपेरेंट टाइप में हो जाएगा। जो भी नीचे की लेवल पे है वो आपको ऐसे ट्रांसपेरेंट, आपको वॉल देखो ट्रांसपेरेंट वे में दिखाई दे रही है। लेवल टू पे जो है वो डार्क नजर आएगा, लेवल वन पे जो है वो आपको लाइट नजर आएगा, और यहाँ पे भी आप देखेंगे लाइट आपको नजर आ रहा है। क्लियर। अब अगर बात करें लेवल थ्री की, अगर मैं लेवल थ्री पे जाता हूँ, अब लेवल थ्री पे मेरे को यहाँ पे बेड नजर आ रहे हैं, मैं यहाँ पे क्लिक करके कर देता हूँ लेवल थ्री के नीचे, मैं देखना चाहता हूँ लेवल टू। अब जैसे ही मैंने लेवल टू किया, टॉप हो गया लेवल थ्री, बेस हो गया लेवल टू, और यहाँ पे मेरे को लेवल टू के कंपोनेंट लाइट कलर में नजर आ रहे हैं और लेवल थ्री के कंपोनेंट जितने वो डार्क कलर में नजर आ रहे हैं। क्लियर। अब यहाँ पे है अंडरले ओरिएंटेशन, यहाँ पे दिखा रहा है लुक डाउन कि नीचे की तरफ। अब मैं चाहता हूँ कि लेवल थ्री टॉप हो बट मेरे को लेवल वन तक देखना है, तो यहाँ पे मैंने बेस लेवल कर दिया लेवल वन। अब बेस लेवल लेवल वन कर दिया मैंने, देखो ये वॉल तो आपको नजर आ रही है यहाँ पे क्योंकि ये अटैच है आपके लेवल टू के फ्लोर से, साइड से नजर आ रहा है क्योंकि इसके ऊपर कोई फ्लोर नहीं है, बट मेरे को गाड़ियां नजर नहीं आ रही यहाँ पे। क्लियर है। गाड़ियां नजर क्यों नहीं आ रही, क्योंकि अगर आप 3D पे जाएंगे तो आप देखेंगे तो यहाँ पे एक फ्लोर लगा हुआ है ऑलरेडी। अब इस फ्लोर से जो चीज अटैच है वो तो नजर आ जाएंगी, बट यहाँ पे आप देखेंगे तो इसके नीचे, क्योंकि एक व्यू रेंज होता है, मैं यहाँ पे आपको लिंक आ जाएगा व्यू रेंज का, एक व्यू रेंज कितनी रेंज तक आपको देखना है। अगर मैं लेवल थ्री के ऊपर जाता हूँ और यहाँ पे मेरा व्यू रेंज भी है कि आपको कितना देखना है, तो ये आपको यहाँ पे दिखाएगा कि कितना आपको यहाँ पे देखना है, लेवल थ्री से कितना नीचे देखना है, कितना ऊपर देखना है। ये एक और वीडियो मैंने बनाई हुई है इसके ऊपर, आप इसको देख सकते हैं, यहाँ पे आपको लिंक नजर आ जाएगा इसका, और मैं इसको डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। बट अभी के लिए मैं आपको फंडा नॉर्मल सा बताऊं, तो अगर मैं इस फ्लोर को डिलीट कर देता हूँ, अगर मैं इस फ्लोर को सिलेक्ट किया और डिलीट कर दिया, अब आप जाके देखेंगे तो आपको देखो गाड़ी नजर आ रही है।
व्यू रेंज के अकॉर्डिंग क्या हुआ, ये गाड़ी की हाइट है 3-4 फीट, बट 5 से 6 फीट पे व्यू रेंज अपना वर्क करता है। तो अभी के लिए मैं अंडू करता हूँ ताकि मेरे को फ्लोर एज इट इज नजर आए। तो आप समझ पा रहे होंगे कि व्यू रेंज क्या होता है, नीचे किस तरीके से आप देख सकते हैं। अब अगर मैं बात करूं लेवल फोर पे, लेवल फोर पे नॉर्मली मेरे को ये नजर आ रहा है। अब मैं लुक डाउन करके देखना चाहता हूँ, मैंने कर दिया, इस पे लेवल थ्री नजर आए, तो लेवल थ्री पे जो आइटम्स है वो आपको नजर आ रही है यहाँ पे, क्लियर है, और आप लुक डाउन कर रहे हो। तो ये होता है कि अंडर ले, कि इसके नीचे कौन सी लेयर आपको नजर आए। अगर हम बात करें अब लुक अप की, देखो अब लुक अप क्या है, लेवल टू पे अगर मैं लेवल थ्री पे जाता हूँ या फिर लेवल टू पे जाता हूँ, अब लेवल टू पे यहाँ पे है बेस लेवल, लेवल थ्री मैं यहाँ पे जाता हूँ लुक अप। अब लेवल टू से आप टू, अगर आप लेवल टू से ऊपर की तरफ देखेंगे, अगर आप लेवल थ्री तक देखेंगे तो सिर्फ आपको लेवल थ्री के और टू के बीच में जितना यहाँ पे पोर्शन है वो नजर आएगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लेवल टू पे जाके लुक अप कर देता हूँ और यहाँ पे करता हूँ बेस लेवल लेवल टू और टॉप लेवल लेवल थ्री, कुछ भी नजर नहीं आएगा, क्योंकि आप जो देख रहे हैं वो यहां से यहां तक देख रहे हैं, इसके ऊपर जो बेड रखे हुए हैं वो इसके ऊपर रखे हुए हैं। अगर मैं यहाँ पे वायर फ्रेम करूं तो जो ये बेड रखे हुए हैं लेवल थ्री से ऊपर रखे हुए हैं। तो अगर मैं लेवल टू पे जाकर यहाँ पे कर देता हूँ लेवल फोर टॉप लेवल, तो टॉप लेवल फोर हो जाएगा, बेस लेवल टू हो जाएगा, और उसके मिडल में जो आपके बेड वगैरह रखे हुए हैं वो आपको एग्जैक्टली यहाँ पे नजर आएंगे, मतलब ऊपर वाले लेवल पे जो भी चीजें होंगी वो आपको एग्जैक्टली नजर आएंगी। तो इस तरीके से आप लुक अप कर सकते हो कि ऊपर के लेवल पे क्या है उसके तरीके से मेरे को डिजाइन करना है, नीचे के लेवल पे क्या है उसके तरीके से मुझे डिजाइन करना है। अगर मैं तो इस तरीके से आप अंडर ले का यूज कर सकते हैं, कौन सा लेवल आपको नीचे देखना है, कौन सा आपको ऊपर देखना है एक पर्टिकुलर लेवल पे। अगर आपको कोई भी नहीं देखना तो आप यहाँ पे नन कर दें, तो आपको कोई लेवल यहाँ पे नजर नहीं आएगा और आप इसको डिजाइन कर सकते हैं। तो ये था अंडरले। इसके अंडरले के साथ ही यूज होता है आपका जो व्यू रेंज होता है, ये सब इसके साथ ही यूज होता है। इसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, यहाँ पे आइकन देख सकते हैं और वहां पे जाके वो व्यू रेंज वाली वीडियो देख सकते हैं, ताकि अंडरले और व्यू रेंज को आप कंबाइन करके अपना जो एग्जैक्टली आप चाहते हो वो आप यहाँ पे मिल सके आपको। सो थैंक यू सो मच दोस्तों वीडियो देखने के लिए, आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब बिल्कुल करके जाएं चैनल को अगर आप न्यू हैं तो। थैंक यू।